हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू अंकनिश क्रिएशंस। सॉरी मैंने एक वीक से ऊपर हो गया वीडियो नहीं डाला, बिकॉज टाइम ऐसा चल रहा है कि कभी कभी मन ही नहीं करता कि वीडियो शूट करो और डालो, बट दैट्स ओके। इस पूरे लॉकडाउन और क्वारंटीन पीरियड में मेरा जो सबसे फेवरेट टाइम पास रहा है वो है पुरानी चीज़ों को कैसे नई तरह से यूज़ करना। लाइक मैंने फारिन की बहुत सारी पुरानी पैंट्स को काट काट के शॉर्ट्स बनाए, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू बाय न्यू शॉर्ट्स और गर्मी हो रही थी। टी शर्ट्स को मैंने फुल स्लीव्स टी शर्ट्स को काट काट के शॉर्ट स्लीव्स का किया एंड ऑल दैट। कोई नई बात नहीं है, मतलब हमारी मम्मियाँ तो हमेशा से ये सारी चीज़ें करती आई है, बट पता नहीं मुझे बहुत खुशी मिली ये सब करके। तो आई थॉट कि ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में शॉर्ट्स और टी शर्ट्स नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज उसमें तो सिर्फ कट करना था, कुछ करना नहीं था। बट मैंने दो ऐसी चीज़ें रीपर्पस करी है जो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही थी, अंदर पड़ी हुई थी और मतलब एक तो खराब, काफ़ी ख़राब दिखने लग गई थी। तो एक है मेरा पुराना क्लच और एक है मेरे पुराने सैंडल स्लीपर्स जो कह लो। बट हाँ, मुझे मतलब दोनों DIY बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है। एक ही प्रोडक्ट को यूज़ करके किया है, फेविक्रिल नियॉन 3D लाइनर्स। एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो दिस इज माई ओल्ड क्लच एंड आज मैं इसका मेक ओवर करूंगी यूजिंग फेविक्रिल 3D नियॉन लाइनर्स। एंड मैं ऐसे ही कुछ फ्री हैंड डिजाइन बनाऊंगी, मेहंदी टाइप्स की है ना, डिजाइन टाइप की। स्टार्टिंग विद द पिंक 3D नियॉन लाइनर, मैं पहले बॉर्डर बना रही हूँ पूरे क्लच के साइड में और फिर मैं फ्री हैंड डिजाइन बनाऊंगी। और जो ये 3D नियॉन लाइनर्स होते हैं ये बहुत ही ड्यूरेबल एंड वाटरप्रूफ होते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यूजिंग इट, रफ एंड टफ यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये 3D नियॉन लाइनर परचेज करने की ऑनलाइन लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पर आप किसी भी अच्छे स्टेशनरी स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा इंडिया में। नाउ एंजॉय द पेंट। We are done on the one side of the clutch. अब I'll let this dry overnight क्योंकि it is like a puffed paint, तो इस पे निशान पड़ सकते हैं किसी भी surface के या finger के अगर ये अच्छे से सूखे ना। So let it dry on one side completely like this and then we will paint on the other side. टिल दिस पॉइंट मेरा पेंटिंग प्रोसेस एकदम बढ़िया चल रहा था और फिर पता नहीं क्यों मैंने पाउच को हाथ में उठाया और वो स्लिप हो गया और ये हो गया। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड आफ्टर दिस कि मैंने थोड़ी देर के लिए शूट करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। थोड़ा बहुत क्लीन किया, ट्राई किया सुधारने का, बट देन आई वॉज लाइक कि नहीं यार ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। बट ठीक है, फिर मैंने जस्ट उसको फिल किया और थोड़े बहुत डूडल्स करके इस साइड को कंप्लीट किया। बट नेवरदलेस आफ्टर कंप्लीटिंग द होल साइड इट लुक्ड क्यूट, मतलब कलरफुल लग रहा था। मैं डेफिनेटली इस पाउच को यूज़ करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए बनाया। आई लव इट एंड आई डेफिनेटली यूज़ इट। मुझे ये पाउच ऑलरेडी पसंद था,
क्लच सॉरी ऑलरेडी पसंद था, लेकिन बाहर से अजीब सा दिख रहा था तो मैंने यूज करना बंद कर दिया था, बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर श्योर। तो आप भी अपनी मनपसंद डिजाइन बना के किसी भी चीज को रिपर्पज, उसको मेकओवर दे सकते हो और वो कम्प्लीटली न्यू लगेगी और यूज करने में दुगना मजा आएगा, ट्रस्ट मी। तो आई लेट दिस साइड ऑल्सो ड्राई फॉर 24 आवर्स और फिर वी कैन यूज इट। And my unique and colorful clutch is ready to use. I love it. तो अब इसके बाद बारी आती है सैंडल्स या चप्पल की, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक सम बॉर्डर्स और सम ट्राइंगल्स यूजिंग पिंक नियॉन 3D लाइनर। आप चाहे तो कलरफुल बना सकते हैं या किसी भी कलर का बना सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज पिंक कलर क्योंकि आई फील लाइक पिंक कलर की काफी ड्रेसेस है मेरे पास। आई रियली एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा था चीजों को रिपर्पज करके, उनको एक मेकओवर देके, और मुझे दोनों ही चीजें बहुत पसंद आई है। आप भी देखो, आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसको जस्ट थोड़ा सा पेंट यूज करके हम रिपर्पज कर सके तो उन्हें यूज कर सकते हैं वापस और नई भी दिखेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे इजी DIY टाइप की वीडियो आपको देखना पसंद हो तो। एक और वीडियो है जिसमें मैंने 3D नियॉन लाइनर्स यूज करके 4 DIYs बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। आई लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल एज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन इफ यू डू, उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड या कमेंट डाउन बिलो आपने क्या सीखा इन दिस होल क्वारंटीन एंड लॉकडाउन पीरियड। एंड या आई सी यू सून, मैं बहुत सारे वीडियोस पे अभी साइमल्टेनियसली काम कर रही हूँ तो अब देरी नहीं होगी वीडियोस आने में, दे विल कम अप सून लाइक थोड़े थोड़े दिनों में, होपफुली वीक में 2 बार। एंड या सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई सी यू सून, बाय, लव पिंक क्रिएटिव।